जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कल भैरव अष्टमी है और तांत्रिकों अघोरियों के लिए या जो साधक हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक रात है, एक बहुत बड़ा दिन है। इस दिन भैरव महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था और जिस तरीके से आम लोगों के लिए होली की रात्रि जो 14 होती है और दीपावली का जो 14 होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है मंत्र सिद्धि के लिए, जो तांत्रिक और साबर मंत्र से जो पूजा विधान करते हैं उनके लिए भैरव अष्टमी उतना ही महत्व रखता है। और भैरव अष्टमी के दिन भी वो सारे मंत्र सिद्ध होते हैं जो होलिका के दिन होते हैं या काली चौदस के दिन होते हैं या फिर ग्रहणों को होते हैं। सिर्फ जो प्रेत उठाने का मंत्र होता है वो इस दिन सिद्ध नहीं हो सकता। कल के लिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ, अच्छा इसको वही करें जो कि तांत्रिक साधक हैं या तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा मंत्र है जो मेरे हिसाब से आज तक गुरु परिवारों से बाहर नहीं आया है, लेकिन इस पर मैंने अध्ययन किया और ऐसा नहीं है कि ये गुरु परिवार के बाहर नहीं आ सकता, आम जनमानस के लिए भी ये दिया जा सकता है, ठीक है। इसका जो विधान है उसमें कुछ सामग्रियां लगती हैं जो आम सामग्रियों से अलग है। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो सामग्री हमारे यहाँ जिस नाम से मिलती हो सकती है आपके यहाँ से ना मिले, तो थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा लेंगे और उन सभी चीज़ों का आप अध्ययन करके ध्यान करके और सही सामग्री का प्रयोग करेंगे सही मात्रा में, ठीक है। ये मंत्र भी थोड़ा लंबा है, मैं 3 बार पढ़ के सुनाऊँगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। शुरुआत कैसे करना है, कल अगर 12 से 3 बजे रात्रि में कर सकते हैं ये साधना तो सर्वोत्तम है। जो 12 से 3 नहीं जग सकते हैं वो 9 से 12 के बीच के कालखंड में इसको करेंगे। दिशा जो है आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, आपका आसन कम्बल का होगा, ठीक है। पद्मासन में आप नहीं बैठेंगे, आप बैठेंगे अर्ध पद्मासन में, ठीक है। पूरा पद्मासन नहीं लगाना है, वर्जित है इसमें। दोनों हाथ में किसी भी हाथ की मुट्ठी बंधी नहीं होनी चाहिए, खुली मुट्ठी से जाप करेंगे क्योंकि जाप का संख्या नहीं रहेगा, जाप का समय रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बताया 9 से 12 तक आपको जाप करना है, तो पूजन विधान करके जितना समय आपका बचेगा इस 3 घंटे में वो पूरे समय आप जाप करेंगे। उसी तरीके से 12 से 3 के कालखंड में पहले जितना पूजा करना है वो कर लेंगे, जो मैं अभी आपको पंचपूजा का विधान बताऊंगा, और उसके बाद जो है पूरे समय आपको जाप करना है और इसमें जो है आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके काले आसन पर काला कपड़ा पहन करके बैठ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सिला हुआ वस्त्र ना पहने, ठीक है। जब आप जाप करने बैठेंगे तो गले में एक रुद्राक्ष की माला, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुद्राक्ष की माला, एक रुद्राक्ष की माला दोनों हाथ में हो सकती है, ठीक। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जो है रुद्राक्ष की माला को मतलब गिनने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास समय है, कालखंड में हम इसको पूरा करेंगे। जो आपकी रुद्राक्ष की माला है उसमें आपको कस्तूरी इत्र लगा लेना है, अपने हथेलियों पे कस्तूरी का इत्र लगाना है, अपने गर्दन पर कस्तूरी का इत्र लगाना है, अपने कानों के पीछे कस्तूरी का इत्र लगाना है। इन 3 जगह पर इत्र लगाने के बाद आप अपने तलवों पैर के तलवों पे कस्तूरी का इत्र लगाएंगे। जब तक ये जाप पूरा नहीं करेंगे तब तक पैर को आप स्पर्श नहीं कराएंगे ज़मीन से, आप आसन पर ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी हो गई। उसके बाद जो भोग चढ़ता है इसमें तांत्रिक पंचमेवा चढ़ता है, ठीक है। तो क्या चढ़ेगा, ये 5 अलग अलग बर्तनों में आपको, एक में बकरे का कलेजा, एक में छोटी वाली मछली, एक में भुना, देख अच्छा ये जितना भी सामग्री मैं बता रहा हूँ ना इसमें एक सामग्री को छोड़ के सबको पका के देना है। जब आप भैरव जी के लिए भोग तैयार करते हैं तो उसको मसाला वसाला दे के नहीं पकाते हैं, उसको सीधे धूप के ऊपर क्या कहते हैं अग्नि के ऊपर सेक दिया जाता है। तो कलेजा लेंगे उसको अग्नि के ऊपर सेकेंगे उसको चढ़ाएंगे, छोटी मछली लेंगे उसको साफ़ करेंगे उसको अग्नि के ऊपर चढ़ाएंगे उसको दूसरे बर्तन में रखेंगे, थोड़ा सा मीट का टुकड़ा लेंगे उसको सेकेंगे उसको तीसरे बर्तन में रखेंगे, जो देसी मुर्गा होता है उसका एक अंडा चाहिए होगा ये 4th है, और 5वें बर्तन में आप जो है दही चढ़ाएंगे। इसके अलावा मुखवास के लिए पान चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये पंचमेवा चढ़ेगा, साथ में क्या चढ़ेगा, साथ में आपको कारण जो शराब होती है वो चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंच पूजा में एक पूजा, जो नवेद है वो मैंने आपको बता दिया। जो इसमें धूप रहेगा वो धूप जो है गूगल और गुलाब दोनों रहेगा, ये क्यों दो रहेगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा।
और जो दीपक रहेगा वो एक मुखी दीपक रहेगा, वो तिल के तेल का रहेगा। ठीक, जब हम अंतिम में हवन करेंगे तो उसमें जो है हमको पीपल की समीधा, जो लकड़ी होगी वो पीपल की होगी, और एक जावित्री की तरह दिखने वाला और एक आयुर्वेदिक सामग्री है जिसको बढ़ेड़ा कहते हैं। ठीक है, बढ़ेड़ा लौंग दोनों को बराबर संख्या में मिला लेंगे और उसको घी में डाल करके जब आपका 15 मिनट 20 मिनट बचा हो 3 घंटे पूरे होने में, तो फिर जो है आप हवन करना शुरू कर देंगे। 15 मिनट, आधे घंटे, आधा घंटा पर्याप्त होता है दशांश अगर मान लिया जाए 3 घंटे का हम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बढ़ेरा और लौंग से पीपल की समीधा पे घी के साथ जो है इसका दशांश हवन करना है। तो आप पूजा पर बैठ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रक्त चंदन, थोड़ा सा श्वेत चंदन, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा अगर, थोड़ा सा तगर, ठीक है, एक तेज पत्ता जो मसाले में प्रयोग करते हैं, एक बढ़िया जो मैंने बोला अभी हवन सामग्री में जो प्रयोग होगा वो आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगा, इन सबको गुलाब जल के साथ लेकर के पीस के पहले ही रख लेंगे। और उसके बाद जब आप बैठेंगे आसन पे दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ मुख करके एक त्रिकोण बनाएंगे और उसके बीच में लिखेंगे भैरव। कोई बीज अक्षर इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ हम लिखेंगे क्या, भैरव। भैरव लिख करके अपनी बाईं ओर गूगल और अपने दाहिने ओर जो है गुलाब का धूप रखेंगे। सामने की ओर जो है, जो सबसे सामने वाला कोना है त्रिकोण का, उस पर जो है, उस पर, उस त्रिकोण के मुख पर हम जो है तिल के तेल का गूगल जलाएंगे। ठीक है, उसको वहाँ पर रख देंगे। सामने में अपने और उस यंत्र के बीच में लाइन से पांचों जो जो हमने आपको पंचमेवा बताया वो पंचमेवा आप रख देंगे। अपने दाहिने साइड में आप पान रखेंगे और अपने बाएं साइड, मतलब इस पंचमेवा के दाहिने साइड में पान रखेंगे मुखवास के लिए, और जो अपने बाएं साइड में है आप कारण एक ग्लास में चढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि पूजा का पूरा तैयारी शुरू हो गया है। ठीक है, अंत में जब आप जाप कर लेंगे, हवन से ठीक पहले कलेजे का टुकड़ा, गूगल और छोटी मछली को साथ में जलाएंगे और इस यंत्र की आरती करेंगे। और जब आप हवन पूर्ण कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, इस यंत्र के पास बैठेंगे या फिर इसके पास सो जाएंगे। अगर नहीं सो सकते हैं तो इस यंत्र को उठने से पहले बिल्कुल धो के साफ़ कर लेंगे और जो भी सामग्री प्रयुक्त हुई है सबको सुबह जा करके जल में प्रवाहित कर देंगे। जितने देर साधना करेंगे, कोई घर का व्यक्ति घर में नहीं, मतलब उस कमरे में नहीं होना चाहिए, किसी अन्य के प्रवेश से पहले उस रूम को बिल्कुल ही साफ़ कर देंगे, बिल्कुल पोंछ के बिल्कुल साफ़ कर देंगे, पता नहीं चलना चाहिए आज साधना हो रहा था। ठीक है, ये साधना बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है हो सकती है तो घर से बाहर निकल करके आप इस साधना को करेंगे। अब आ जाते हैं मंत्र पर, 3 बार बोलूँगा, आराम से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु जी को, त्रिविध सेवा फट चलाए, दौड़ कूद के औघड़ आए, सेवा सब भैरव की करहीं, औघड़ भैरव साथ ही चलहीं, चले चलाए साफ करे, जय भैरव गढ़ महाराज, जो ना आवे आप में सो गुरु कानिफ नाथ की दुहाई, दुहाई गुरु 84 सिद्धन नवनाथों की दुहाई। फिर से सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु जी को, त्रिविध सेवा फट चलिए, मतलब वीरों के बारे में बात हो रही है, दौड़ कूद के औघड़ आए, सेवा सब भैरव की कर ही, औघड़ भैरव साथ ही चले ही, चले चलाए साफ करे, जय भैरव गण महाराज, जो ना आवे आप में सो गुरु कानिफनाथ की दुहाई, दुहाई गुरु 84 सिद्धन नवनाथों की दुहाई। दुहाई जो है अंत में 3 बार बोलेंगे, मतलब दुहाई दुहाई दुहाई, एक बार बोल के बता दे रहा हूँ ठीक से। ओम नमो आदेश गुरु जी को, त्रिविध सेवा फट चले, दौड़ कूद के औघड़ आए, सेवा सब भैरव की करहीं, औघड़ भैरव साथ ही चलहीं, चले चलाए साफ करे, जय भैरव गढ़ महाराज, जो ना आवा आवे आप में सो गुरु कानिफनाथ की दुहाई, दुहाई गुरु 84 सिद्धन नवनाथों की दुहाई, दुहाई दुहाई। ठीक है, इस मंत्र को जाप कर लेंगे, इसके बाद जो विधान बताया है उससे धूप दिखा लेंगे यंत्र को, और उसके बाद दशांश हवन, मतलब 15 मिनट या आधे घंटे तक हवन करेंगे। ये सबको करने के बाद जो मंत्र है, अगर वहीं सो रहे हैं आप
तो अति उत्तम है। अगर नहीं सो पाएंगे तो उसको साफ कर ले रात में, और सुबह किसी के भी प्रवेश से पहले इस कमरे को बिल्कुल साफ कर ले। एक विषय और है, अगर मसान में करेंगे या देवालय में करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद क्या, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको ये लाभ होगा कि किसी का भी उतारा करना हो, किसी पे भी काला जादू हो, कुछ भी हो, तो बिल्कुल ही इस मंत्र से वो जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, एक ही मंत्र है, इसे सब जितने तरीके का उतारा है, तंत्र काट है, आप कर सकते हैं, और ये एक रात में, मतलब जो कालाष्टमी की रात है उसमें ही सिद्ध हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा विशेष प्रयोजन नहीं है, बस थोड़ा सा सामग्री ज़्यादा है, ये सब आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं। घर में अगर करेंगे तो सतर्क होकर के और जो आम लोगों के नज़र से दूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है, जिनको तंत्र मंत्र यंत्र में आगे बढ़ना है, जो शुरुआती विधान जानना चाहते हैं, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। मेरा आगामी कार्यक्रम जानने के लिए www.aghortantrasya.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महाभैरव काल भैरव और सभी को सिद्धियाँ दें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।